मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर भदुली में संचालित नंद निकेतन स्कूल के निदेशक सूर्य नारायण सिंह यादव ने जिला अधिकारी मधुबनी व पुलिस अधीक्षक मधुबनी को आवेदन देते हुए अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में नंद निकेतन स्कूल के निदेशक श्री यादव ने हमारे KGN मिथिला की टीम से क्या कहा। और वीडियो में हमारे दाहिने तरफ जो बैठे हुए हैं ये नंद निकेतन स्कूल के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है सूर्य नारायण यादव जी। इनके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ है जिससे और हालात कुछ ऐसा हो चुका है कि ये अपने कार्यालय में ही बंदी अपने आप को मान रहे हैं। आइए हम इनसे सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि सारा मामला क्या है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य नारायण सिंह यादव हुआ। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला है जो हम नंद निकेतन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं और महिंद्रा श्री गुरु ऑटोमोबाइल्स महिंद्रा ट्रैक्टर के डीलर हैं। हम लोगों का घर इसी पंचायत में पड़ता है लेकिन हम यहाँ रहते नहीं। कौन सा पंचायत? परकोली। लेकिन हम यहाँ रहते नहीं हैं, हमारा जमीन जथा यहाँ है। ये लोग बार बार डिस्टर्ब करता है। कौन कौन डिस्टर्ब करता है? ये सरपंच, यहाँ का सरपंच था लेकिन इस बार उसका बेटा मुखिया हो गया है। तो हम लोग सरपंच सरपंच करते हैं सर यादव, तो उसका बेटे पुतो मुखिया हो गया। वो 5 दिन पहले हमको कहा कि आपके गांव में मंदिर बनेगा, कुछ पैसा चला। मैंने कहा जो आपने पंचायत चुनाव में रखा है तो हम क्यों दे। उन्होंने कहा जो गांव का मामला है कुछ मदद करेंगे। ठीक है, गांव का मामला आपके कागज जरूर कर देंगे। उन्होंने कहा था नहीं, आपके 11 लाख रुपया देंगे। हम कह नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो उसके प्रतिक्रिया में 2 दिन के बाद कुछ लोगों को उसकाया कि उनके जमीन को पर घर बना दो। कुछ हरिजन हुआ, वो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, कहा घर बना देने के लिए। जब हमको जानकारी मिले तो हम अपने जमीन को माने लेबर डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री करा रहे थे। कुछ नहीं था, कोई अशांति नहीं था। वो एक थाना में पेटिशन दिया और पेटिशन दे करके पेटिशनर को ले जाकर के कहा जो हमको माने ये मार रहा था और ये बाउंड्री कर रहा। अच्छा, ये बाउंड्री कब टूटा है? बाउंड्री तो कल टूटा, रात में टूटा, तोड़ा रात में। अच्छा, आपको आशंका किस पर है? कौन तोड़ा होगा? आशंका नहीं, उसका भतीजा का स्पष्ट कहा है जो हमारे चाचा माने असिस्टर यादव और विमल बस को गुंडा लेकर के तोड़ा है। तो इसको लेकर के आपने आवेदन कहीं दिया? इसको लेकर के जब मैं मधुबनी रहता हूँ, मैं आया और जानकारी मिला तो हमने सबसे पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया। अरेर थाना को दिया। उन्होंने कहा था जो कल पेपर लेकर आइएगा, अगर तोड़ेगा तो हम भरवा देंगे। लेकिन जब तोड़ दिया तो मैंने पूछा तो कोई नहीं जवाब दिया। अकाल में टोल किया, कहा उसको बुलाए हैं, आता है तब आपको बताएंगे। थाना प्रभारी बोले हम, और हम अपना पेपर जमा कर दिए। कहा उसका पेपर आएगा तब हम आपको फोन करेंगे। अभी तक कोई फोन नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसका बेटा जाता है वहाँ, गाली गुस्सा देता है हमारे गेट के नज़दीक। 2-4 को दारू पी के लोगों को गाली देता है। हम कमरे में बंद है, हमको निकलने के लिए बार बार मान थाना से SP से DM से गुहार कर रहे हैं, मेल किए हैं, लेकिन कोई ये नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। अब हम चाह रहे हैं जो हमारा माने हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम उसके द्वारा बेवकूफ नहीं है जो मारपीट करते थे। हमारा जमीन है, हम अगर माने जोतते हैं उसमें उसका कहा जाता है, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी को कहता है घर बना। अभी आप जैसे अपने कार्यालय से बाहर निकलते हैं या आदमी लेफ्ट राइट करता है, डर से नहीं निकल रहे हैं। 8 बजे से पूरा कैद है, नंबर नहीं निकल रहे हैं। आप देखें हम यहाँ बेड पर पड़े हुए हैं, सब स्टाफ चला गया। तो जैसा कि आपने सुना ये नंद निकेतन के डायरेक्टर थे, उनका नाम है आपको सूर्य नारायण यादव जी, और जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं अपने कार्यालय में बंदी समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। क्योंकि इनका जो मैटर है वो ये है कि इनके द्वारा जो बाउंड्री निर्माण किया जा रहा था उसको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, जैसा कि इन्होंने कहा। क्या बात सही है? 100% सही है। उसका वीडियो आपको वीडियो भी है? हाँ, मेरे पास वीडियो भी है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।